आइए आज हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क जो है वितरण किया जा रहा है। आज सबको राशन वितरण किया जा रहा है जो फ्री में दिया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ की जनता से बात भी करते हैं। ये कोटेदार हैं, कोटे में जो है लोग राशन फ्री में लेने भी आए हैं, तो चल करके देखते हैं। आइए 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 आइए, यहाँ की जो जनता है देख रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि जो है क्यों आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, राशन लेने आए हैं। मेरा युवा साथ जो लोग हैं राशन लेने आए हैं। हाँ, राशन लेने आए हैं। हाँ जी, फ्री मिल रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राशन फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब है जो सरकार द्वारा यहाँ पर राशन वितरण हो रहा है तो सभी को फ्री में मिल रहा है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आइए भाई साहब, आप कौन हैं? कोटेदार हैं। आपका नाम क्या है? महारानी दीन। महारानी दीन कोटेदार हैं आप। आप जो है सबको राशन वितरण कर रहे हैं? जी हाँ। सुबह से लगभग कितने लोग वितरण किए हुए हैं? कई कार्ड हुई लगभग? नहीं नहीं नहीं, कितना कार्ड जमा है? कई कार्ड आया, 25 कार्ड। लगभग 25 कार्डों को आपने वितरण किया? जी हाँ। पैसा लिया? निशुल्क। निशुल्क जी। अच्छा, आपको निशुल्क मिल रहा है तब आप निशुल्क दे रहे हैं? हाँ, ओके। अच्छा, आपको जो है जहाँ से राशन ला रहे हैं वहाँ में लाने में आपको किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तौल घटती है। अगर वजन से लेते हैं तो मान लीजिए माल जो है सही नहीं मिलेगा। कंप्लेन के सुनिए, अगर हम लोग कंप्लेन करें तो हम नहीं रहने पाएंगे यहाँ पर, कार्रवाई हो जाती ऊपर से। अब कि हमें जो है गल्ला पूरी तौल नहीं दिया जा रहा है तो आप सीधा आइए। आज हम आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निशुल्क जो है वितरण किया जा रहा है। आज सबको राशन वितरण किया जा रहा है जो फ्री में दिया जा रहा है। तो आइए दिखाते हैं, यहाँ की जनता से बात भी करते हैं। ये कोटेदार हैं, कोटे में जो है लोग राशन फ्री में लेने भी आए हैं, तो चल करके देखते हैं। आइए 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 आइए, यहाँ की जो जनता है देख रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि जो है क्यों आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, राशन लेने आए हैं। मेरा युवा साथ जो लोग हैं राशन लेने आए हैं। हाँ, राशन लेने आए हैं। हाँ जी, फ्री मिल रहा है। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि राशन फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब है जो सरकार द्वारा यहाँ पर राशन वितरण हो रहा है तो सभी को फ्री में मिल रहा है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। आइए भाई साहब, आप कौन हैं? कोटेदार हैं। आपका नाम क्या है? महारानी दीन। महारानी दीन कोटेदार हैं आप। जो है सबको राशन वितरण कर रहे हैं? जी हाँ। सुबह से लगभग कितने लोग वितरण किए हुए हैं? कई कार्ड हुई लगभग? नहीं नहीं नहीं, कितना कार्ड जमा है? कई कार्ड आया, 25 कार्ड। लगभग 25 कार्डों को आपने वितरण किया? जी हाँ। पैसा लिया? निशुल्क। निशुल्क जी। अच्छा, आपको निशुल्क मिल रहा है तब आप निशुल्क दे रहे? हाँ, ओके। अच्छा, आपको जो है जहाँ से राशन ला रहे हैं वहाँ में लाने में आपको किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तौल घटती है।
अगर वजन से लेते हैं तो मान लीजिए माल जो है सही नहीं मिलेगा। कंप्लेन करे सुनिए, अगर हम लोग कंप्लेन करें तो हम नहीं रहने पाएंगे यहाँ पर, कार्रवाई हो जाती ऊपर से। सही, उठा रहे हैं कि हमें जो है गल्ला पूरी तौल नहीं दिया जा रहा है, तो आप सीधा करना चाहिए या तो फिर आप बोलिए कि नहीं हमको सही मिल रहा है। अगर आपको सही मिल रहा है तो सही बताइए ना। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आप हमारा नाम भोलानाथ पटेल है, हम इनके सहायक हैं कोटेदार के। हाँ बोलिए। और जैसा अभी भैया ने कहा है कि हमको जो है जहाँ से मैं गल्ला लेके आता हूँ वहाँ से वजन कम मिलता है, सब सही है सर? अब इसके लिए वो उठाते हैं वो जानते हैं, हम तो यहाँ बैठ के यहाँ काम करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भैया। आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप कैसे हैं? बोलिए मास्क लगा के आए हैं। रामनवमी है, मास्क लगा के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यहाँ का कार्यक्रम बढ़िया है और यहाँ का कार्यक्रम बढ़िया है, सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है। हाँ अन्न वितरण हो रहा है, इसी कार्यक्रम चल रहा है और बहुत अच्छा सुचारू रूप से कार्यक्रम चल रहा है। अभी आप बोल रहे हैं अच्छा चल रहा है, पर यहाँ के जो कोटेदार हैं वो बोल रहे हैं कि जहाँ से मैं अन्न ले आता हूँ वहाँ पर वजन कम दिया जाता है। नहीं तो ऐसा तो कोई लाइट में नहीं आया है, या फिर कोटेदार गलत बोल रहे हैं कि हमें अन्न जो दिया जा रहा है पूरा नहीं मिल रहा है, ये गलत बोल रहे हैं? तो पूरा नहीं मिल रहा है, नहीं है तो हमारे सामने आपको नहीं जानकारी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँगा कि आपका जो यहाँ पे गरीब कल्याण योजना चल रहा है। हाँ जी। इसमें आपको क्या कहना? कुछ नहीं, हम लोग की एक दिन के लिए ड्यूटी लगाई गई है कि निःशुल्क वितरण होगा और आपको मैम देखना है कि सभी को मिले। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ जो निःशुल्क ड्यूटी कर रहे हैं क्या यहाँ निःशुल्क दिया जा रहा है राशन? हाँ, सभी को दिया जा रहा है। किन किन कार्डो को दिया जा रहा है? हाँ, किन किन कार्डो धारको को आप दिया जा रहा है? यहाँ पे लाल कार्ड धारक है। लाल कार्ड वालों को? लाल है ना, लाल कार्ड वालों को। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग सच सच बताइएगा कि आप लोगों को निःशुल्क मिल रहा है? हाँ हाँ, हर महीना मिला था, निःशुल्क दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है आपको? किसी प्रकार कोई दिक्कत? हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के जो महारानी दीन कोटेदार हैं इनकी जो प्रजा है के इनसे बहुत खुश हैं और इनको निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, इनसे किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। ओके धन्यवाद। मैं ज्ञानचंद प्रयागराज, आप बीती जग बीती न्यूज चैनल। अन्न महोत्सव में नवनिर्वाचित प्रधान आनंद शंकर गुप्ता व भाजपा के किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष स्वामी प्रसाद तिवारी की उपस्थिति में किया गया राशन वितरण। खबर बाराबंकी जनपद के विकासखंड सिरौली गौसपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मरकामऊ से है, जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तत्वावधान में कोटेदार राम भजन मौर्य व ग्राम प्रधान व भाजपा के किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष के द्वारा ग्राम पंचायत मरकामऊ में राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। अन्न महोत्सव के इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मरकामऊ पुरनिया के पात्र गरीब राशन कार्ड धारकों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। इस दौरान प्रशासन व क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा क्षेत्र के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आप बीती जग बीती न्यूज चैनल लखनऊ के लिए बाराबंकी से ब्यूरो सुनीत त्रिपाठी की एक रिपोर्ट।